हम बात कर रहे हैं IRFC की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में बड़ी तेज़ी, बड़ा जंप हमको देखने के लिए मिला है। 6% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक जो है फिलहाल ट्रेड होता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं स्टॉक जो है 155 रुपीज़ पर फिलहाल हमको ट्रेड होता नज़र आ रहा है। जब स्टॉक ने 164 के लेवल से रिजेक्शन लिया था, गिरावट आई थी। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था 144 या 140 किसी भी एक लेवल के आसपास से स्टॉक हमको बाउंस बैक होता नज़र आ सकता है, ऐसे हमने डिस्कस किया था। और हमने इसकी वजह को भी डिस्कस किया था, इसके रीज़न को भी डिस्कस किया था। चैनल पर वीडियो मौजूद है, चाहो तो देख सकते हो। और चार्ट पैटर्न पर देखें तो स्टॉक 144 के आसपास से बाउंस बैक होकर हमको तेज़ी दिखा रहा है। हमने कहा था कि अगर जंप आता है, रिकवरी आती है, तो 150-152 का लेवल इमीडिएट टारगेट रहेगा। और अपना जो टारगेट है वो भी स्टॉक हमको हिट करते हुए नज़र आ रहा है। IRFC अब हमको यहाँ से तेज़ी दिखा सकता है। अगर इसके ओवरऑल चार्ट पैटर्न पर दोस्तों हम नज़र डालें तो देख सकते हैं जंप के बाद गिरावट आई, अगेन जंप आया, हाई ब्रेकआउट हुआ, अगेन गिरावट, जंप, हाई ब्रेकआउट, अगेन गिरावट। और एक बात यहाँ नोटिस करना कि जब गिरावट आ रही है तो स्टॉक अपने रिसेंट लो को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, उसके ऊपर से ही सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हो रहा है, अपने हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ रहा है। इस अकॉर्डिंग गिरावट आई, अब स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है, अपने इस हाई को यानी 164 के लेवल को स्टॉक ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। इसके पूरे पूरे चांस अब IRFC में बनते नज़र आ रहे हैं। अब अगर गिरावट आती है तो 154 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और तगड़े सपोर्ट का काम करेगा 140-135 का लेवल, जहाँ से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है। 135 का लेवल ये आखिरी सपोर्ट रहेगा। टारगेट की डिस्कस करें तो इमीडिएट टारगेट 160 का लेवल और इसको ब्रेकआउट करके अगला टारगेट 164 का जो लेवल है दोस्तों, इसका तगड़ा रेजिस्टेंस है। हमको दो दफ़ा स्टॉक ने इसी लेवल से रिजेक्शन दिखाया है, 164 के लेवल से। चार्ट पैटर्न पर हम देख सकते हैं, पहली दफ़ा दिखाया तो बड़ा फॉल, दूसरी दफ़ा दिखाया तो 144 के आसपास से रिकवरी देखने के लिए मिल रही। और हमने अभी डिस्कस किया चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन 164 के आसपास थोड़ा सा अवेयर रहना है। अगर 164 के लेवल को IRFC ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर उसके बाद बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, हमको इसमें बड़ा जंप और बड़ी तेज़ी भी देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।